भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम अरुणाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः। राधिका, मैंने यहाँ पर एक फाइल रखी हुई थी। ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम अरुणाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम अरुणाय नमः, ओम सूर्याय नमः। ये सब क्या हो रहा है? कल की तैयारी। ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः। सूर्य ग्रहण, माँ ने कहा इस मंत्र का 10,000 बार जप करने से सूर्य ग्रहण की बला टल सकती है। ओम भास्कराय नमः। ओ राधिका, लेकिन अगर ये तुम्हारा जप कहीं कम ज्यादा हो गया तो? चुप रहो। ओम भास्कराय नमः। टीका का मुझे अच्छा नहीं लगता। ये टीका नहीं तिलक है, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। ओम सूर्य ग्रहण से? हाँ, ओम सूर्य नमः। सूर्य ग्रहण से काला चश्मा बचाव करता है ये तो मैंने सुना है, लेकिन काला तिलक? अब तुम एक काली टोपी, काली बैग उठे और एक काला कोट मंगा लो। मजाक करने के अलावा आपको कुछ आता है? अरे तुम्हारा जब टूट गया देखा? टूटने दो, आपके जाने के बाद मैं फिर से शुरू करूंगी। राधिका, इससे बेहतर ये है कि कल मैं जो साइंस की किताब लाया हूँ वो तुम पढ़ लो। मुझे नहीं पढ़नी वो तुम्हारी अंग्रेजी किताब, तुम प्रिंसिपल हो, तुम ही पढ़ते रहो। मुझे घर में बहुत सारे काम है, घर की सफाई करनी है, खिड़कियों को एक काला कागज लगाना है और कल का खाना भी तो पकाना है। हाँ, कल का खाना आज पकाऊंगी। हाँ, अरे ग्रहण में कोई खाना पकाता है? वो मेरी चाची है ना भागलपुर वाली, उसने एक बार ग्रहण में बैंगन पकाए थे, उसकी बेटी पके हुए बैंगन की तरह दिख रही थी। ओहो राधिका, ग्रहण में बैंगन खाने से कोई बैंगन की तरह नहीं होता है। मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोलती। मैं कब कह रहा हूँ कि तुम्हारी माँ झूठ बोलती है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो अनपढ़ है और तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम्हें ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। तो फिर ठीक है, तुम भी पढ़े लिखे हो। अब तुम मुझे ये बताओ कि पृथ्वी पर पहला जीव कहाँ से आया? पहला नहीं बता सकते ना, यही तो बात है। ये पृथ्वी, ग्रह, तारे, ये कहाँ से आए, क्यों आए, ये तुम्हारा विज्ञान भी नहीं बता सकता, यही तो रहस्य है। राधिका, ग्रहण का कोई रहस्य नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। देखो, मुड़ो, ये सूरज और इसकी किरणें तुम्हारे चेहरे पर पड़ रही हैं। अब मान लो कि तुम पृथ्वी हो और मैं चंद्रमा, अब मैं तुम्हारे और सूरज के बीच में आऊँ ऐसे। अब तुम्हें सूरज नजर आ रहा है? इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं, समझी? लेकिन ये तो हमने स्कूल में भी पढ़ा है। यही तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन इससे ये तो साबित नहीं होता कि ग्रहण खराब नहीं होता है। ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम अरुणाय नमः। शाम को जल्दी लौटाना, ग्रहण शुरू होने से पहले खाना खा लेना है। ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम अरुणाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः। डॉक्टर मिश्रा, गांव वाले कह रहे थे 1980 में जब खगरा सूर्य ग्रहण हुआ था तब इन्हीं गुफाओं से भयानक आवाजें सुनाई दी थी। तो आनंद कहाँ गांव वालों की बात तुम्हें आ गए? गांव वाले देखना कल सुबह से ही कैसे चूहों की तरह दुबक कर अपने अपने घरों में बैठे रहेंगे। लेकिन सूर्य ग्रहण के दिन बाहर निकलना भी तो मुनासिब नहीं है, जानता हूँ आंखें खराब हो सकती हैं, लेकिन ये गांव वाले खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पियेंगे, सब्जी तक नहीं काटेंगे, बस दरवाजे बंद करके घरों में बैठे रहेंगे चुपचाप। छोटू गाइड अगर साथ होता तो छोटू गाइड
जानते हो छोटू ने यहाँ ना आने की क्या वजह बताई थी? उसने कहा साहब मेरी बीवी पेट से है, ग्रहण के दिन उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। एक बार उसके खानदान में गर्भवती स्त्री ने ग्रहण के दिन अपने पति के लिए नई कमीज सिलवाई थी। जब उस औरत को बच्चा हुआ तो बच्चे के दोनों कान सिले हुए थे। वो कुछ भी हो लेकिन वहां उसे आती हुई आवाज हो। अरे कोई पिकनिक ग्रुप आया होगा, ट्रांजिस्टर टेप रिकॉर्डर वगैरह चलाया होगा, गांव वालों ने घर में बैठे बैठे वही आवाजें सुन ली होंगी। ये हो सकता। गांव वालों को बताना चाहिए सर। हम क्यों बताएं? हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट हैं, अंधविश्वास दूर करने वाले नहीं हैं हम लोग। चलो आगे चलो।
बड़ी अजीब अजीब चीजें चल रही हैं यहाँ। घुंगरू, पतंगे, खिलौने, सर एक आइडिया है। बोलो। क्यों ना हम ऐसा करते हैं, कल आ जाते हैं, दिन में ठीक से दिखाई भी देगा और खोज भी अच्छी हो जाएगी। शट अप। देखते हैं सर। दिस ऑल्सो लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग सर। आप हो आइए, मैं यही बैठ जाता हूं सर। प्लीज। अच्छा राधिका, टेस्ट रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर तो 5 सालों से यही कहते आ रहे हैं कि हम दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। लेकिन सच बताऊं, मैंने अब उम्मीद छोड़ दी है। डोंट बी स्टूपिड राधिका, बच्चों जैसी बातें मत करो। अगर डॉक्टर ने कहा है तो भरोसा रखो। और फिर अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, कम ऑन चीयर अप। अरे तुम यहाँ खड़ी हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। देखो कौन आया है। आओ आशु, इनसे मिलिए। इंस्पेक्टर शिंदे। नाइस मीटिंग। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, अकेले आए? मेरा मतलब आपकी मिसेस कहाँ है? ऐसा है मिस्टर धर कि मेरी तो लाइफ और वाइफ दोनों ही नौकरी है, इसलिए मैंने शादी की नहीं।
ए मोटू कहाँ छुपा है तू? घंटी सोने की कोशिश करो, ठीक है? मम्मी मैं आज आपके साथ सोऊंगा, प्लीज। हमारे शेर को डर लग रहा है, हाँ? पापा मैं आज आपके साथ सोऊंगा। No problem, come on. ये तो सोनू की बोतल है। सोनू? हाँ। तुम्हारे साथ किसी की कोई दुश्मनी? नहीं, क्यों? नहीं, I'm not sure, लेकिन मुझे लगता है ये किडनैपिंग का केस है। किडनैपिंग? लेकिन इंस्पेक्टर साहब, सोनू को कौन और क्यों किडनैप करेगा? For money, मिस्टर धर, पैसों के लिए। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा।
पंचगनी में तो ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है सर। शिंदे कुछ करो जल्दी प्लीज। पढ़े वायरलेस मैसेज भेज दो कि सारे एरिया को सील कर ले जाए। तो गला किडनैप हो गया। प्रॉमिस यू कि 24 घंटे के अंदर तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास और हम लोग अपना टाइम यहाँ पे स्ट्रगल नहीं करते। क्या जरूरत है मानो आइए Go again.